नमस्कार, दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेगुलागंज से गश्ती दल के दौरान, जो कि दैनिक गश्ती की जाती है, उसी के दरमियान पकड़ाया नशा का कफ सिरप एवं अन्य दवाई और एक व्यक्ति गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेगुलागंज से दैनिक गश्ती के दौरान पकड़ाया गया नशा का कफ सिरप एवं एक व्यक्ति के साथ अन्य कई दवाइयाँ। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय थाना की टीम दैनिक गश्ती कर रही थी, उसी क्रम में ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 20 सीसी नशा वाला कफ सिरप बरामद किया गया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है। मुझे विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा ये सूचित किया गया कि दैनिक क्षेत्र भ्रमण के द्वारा ओम प्रकाश नामक व्यक्ति से 40 DS जो कोडिन कंटेनिंग ड्रग है, 20 बोतल उसके यहाँ से बरामद हुई है। उसके संबंध में हम लोग यहाँ जांच करने आए हैं। जांच करने से ये पता चला है कि ये जो 40 DC है, ये कोडिन कंटेनिंग ड्रग है, ठीक है। ये बिना डॉक्टर के पूजा के कोई भी आदमी इसको कंज्यूम नहीं कर सकता है। अगर ओवरडोज में या बिना डॉक्टर के पूजे को इसको कंज्यूम करता है, तो इस दवा से सेडेशन होने की भी बहुत ज़्यादा खतरा रखती है और इस ड्रग का एडिक्शन भी हो सकता है। इसीलिए इस सिलसिले में जांच किया जा रहा है और इस औषधि को लैब में भेजा जाएगा जांच के लिए। और सर, कोई पकड़ाए भी हैं क्या? हाँ, जो अभियुक्त है ओम प्रकाश नामक ये लड़का है, ये अपने आप को बोलता है कि हमें स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसके यहाँ से उसके पास से ये 20 बोतल बरामद हुई है। कहाँ से बरामद हुई है सर? ये बरामद, जैसा ये सुसु साहब का कहना है कि रोहिलागंज में बरामद हुई है। सर, इसका अधिक डोज लेने से नशा भी आती है क्या? इसका अधिक डोज लेने से नशा ही नहीं होती है, एडिक्शन भी हो सकता है आदमी को। दोनों बातें हो सकती है, इसलिए इस ड्रग को जब भी लेना है डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही लेना है। क्या इसकी सप्लाई दरभंगा में होती है? देखिए, ये ड्रग पूरी तरह से प्रोविडेड नहीं है, क्योंकि इसका डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार यूज़ किया जाता है। मेनली इसको खांसी में यूज करते हैं। नारकोटिक टाइप की ये ड्रग है और बिना डॉक्टर के पूजा का इसका उपयोग नहीं करना है। इसका सप्लाई दरभंगा में होती है कि नहीं, इस दवा का? इसका हम चूँकि इस बात को चूँकि प्रोविडेड नहीं है ड्रग, तो ये मना नहीं कर सकते हैं कि सप्लाई है कि नहीं है। अच्छा सर, इससे पहले भी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र पकड़ा गया था, यही इसी टाइप का दवा पकड़ा गया था। आपने कहा था कि जो संबंधित कारखाना कंपनी है उस पर भी कार्रवाई होगी, जैसा कि नियम है सरकार का। देखिए, मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि औषधियाँ जो है ये प्रोविडेड नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से ये मामला बिना बिल का, ठीक है, या बिना परचेज सेल का रिकॉर्ड का, कोई भी चाहे दुकानदार हो या कंपनी हो, अगर इसका व्यापार कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, नाम बताया जाए? मेरा नाम संदीप साह हुआ, ड्रग इंस्पेक्टर हैं दरभंगा 206। थैंक यू।